आज इंडिया न्यूज चैनल में आप सबका पुनः स्वागत है। मैं गोलू के अर्थ भैरव ब्लौदाबाजार। आज हम ज्योतिर्गैन आश्रम ब्लौदाबाजार में मौजूद हैं, जहां पर गौ सेवा का एक विशेष कथा चल रहा है और उत्तराखंड से गौ सेवा के संबंध में विशेष प्रवचन के लिए पहुँचे हैं। परम श्रद्धे गोपाल मणि जी महाराज जी से हम जानने का प्रयास करेंगे कि गौ सेवा के विषय में उनका क्या उद्देश्य है और भारतवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। हमारे बीच मौजूद है संत गोपाल मणि जी महाराज जी। महाराज, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गौ सेवा के संबंध में क्या आप संदेश देना चाहते हैं? धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत अभिनंदन है। हम पूरे भारत के लोगों से ये कहना चाहते हैं, भारत शब्द के साथ जो माता शब्द जुड़ा है, इसमें चिंतन मनन है। हमारे यहाँ पृथ्वी को भी माता कहा है, भारत की जो भूमि है वो माता है, लेकिन भारतीय संस्कृति में भूमि पर जब भार पड़ता है तब वो भूमि काय बन करके खड़ी हो जाती है। इसका मतलब है भारत के साथ जो माता शब्द है वो गौ माता है। तो जब भारत का परिचय गाय से, आज भी हमारे देश के अंदर हमारा परिचय गोत्र से, गोत्र का अर्थ है गौ रक्षा। तो पूरी दुनिया में भारत का परिचय गौ माता से, उस गौ माता की रक्षा इस देश के अंदर हो रही है। जबकि वेद पुराण धर्म शास्त्र कह रहे हैं कि पशु न गावा, गाय पशु नहीं है, तो गाय पशु के बच्चे में क्यों रखा गया? इसलिए भारत सरकार अविलंब गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दे, इस मुहिम को लेकर के हम पूरे देश में जा रहे हैं, प्रत्येक राज्य में जा रहे हैं और लोगों को इस अभियान से जोड़ रहे हैं। लोग जुड़ भी रहे हैं और ये बता रहे हैं कि गावो विश्वस्य मातरः, गाय सम्मान है और वो सम्मान सबसे पहले भारत को दे, क्योंकि ये आवाज़ भारत की धरती से ऋषि मुनियों की आवाज़ है कि गाय हमारी माता है। इसलिए हमारे राष्ट्र को सर्वप्रथम पहल करनी चाहिए और गाय को सराहनीय माना जाना चाहिए। धन्यवाद।